हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लिखने वाली वीडियो किस तरीके से बनाएं। इस वीडियो का इस्तेमाल आप मोटिवेशनल वीडियो, कोटेज वीडियो और लिखने वाली रनिंग जो कहानियों की वीडियो होती हैं बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आप सीखने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए कहानी वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कहानी वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपके वॉइस के साथ जो टेक्स्ट चलता हुआ आए वो किस तरीके से बनाया जाता है। हिंदी कहानियाँ बनाने के लिए और भी काफ़ी अच्छे वीडियो हमने बनाए हैं, तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप हिंदी वाले जो रनिंग टेक्स्ट के वीडियो होते हैं जिसमें आप बोलते रहते हैं, एक साइड से वॉइस ओवर करते हैं और टेक्स्ट चलता रहता है, उस वीडियो को किस तरीके से बनाएं। तो हाँ जी, वीडियो बनेगी कैसे, उसके लिए लगेगा काइन मास्टर ऐप। आप अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लीजिए। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आप 16:9 का रेशो सेलेक्ट कीजिए, देन मीडिया में क्लिक करके आप एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। आगे बताने वाला हूँ प्रो टिप कि आपका किस तरीके से टेक्स्ट और वॉइस मैच होगा, कि ऐसा ना हो जाए कि आपका टेक्स्ट आगे चलता रहे, वॉइस पीछे चलती रहे, या फिर वॉइस आगे चलती रहे, टेक्स्ट पीछे चलता रहेगा। बात करेंगे इसका आगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि किस तरीके से वीडियो बनेगा। फिर लेयर के ऑप्शन पे जाके आपको ओवरले में एक छोटा सा इसमें ओवरले ऐड करना है जो अच्छा लगे। इसके बाद इसको ओके कर देना है, देन लेयर पे क्लिक करिए, टेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब एक छोटी सी बात, आप अगर गूगल नोट्स या किसी और नोट्स का यूज करते हैं तो पहले टेक्स्ट को वहाँ से लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा टाइप करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे इसको कॉपी पेस्ट किया है, उसके बाद ओके कर दीजिए। देन डबल ई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। बिना कलर के तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती जी, तो कलर तो करना पड़ेगा। अब इसको आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद इन एनिमेशन में इसको लेटर बाय लेटर पे कर दीजिए, देन ये स्पीड थोड़ी स्लो कर दीजिए अपने वॉइस के हिसाब से। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। कुछ इस तरीके से वीडियो आपका बन जाएगा। तो प्रो टिप इसमें ये है कि आप अगर पहले वीडियो को बनाते हैं तो आपकी वॉइस और आपका टेक्स्ट मिसमैच होगा। कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपने वॉइस को रिकॉर्ड करिए, देन आप एडिट करते टाइम उसको टेक्स्ट उसमें ऐड करिए और ये इफ़ेक्ट्स डालिए, तब आपकी वॉइस और टेक्स्ट मिसमैच नहीं होंगे, वो एक साथ ही चलेंगे। अगर आपको हिंदी कहानियाँ बनाने की शुरुआत कैसे करें या कैसे बनाएं, उसके लिए ये वीडियो देखें। लव यू ऑल।